सरसावा कस्बे के मोहल्ला कानुंगोयान में बुधवार सुबह दो बाइक सवार बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन छीन ली। यह घटना गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। मिली जानकारी के अनुसार सुबह करीब 9 बजे महिला अंबाला रोड स्थित श्री अखंड सत्संग भवन मंदिर से पूजा पाठ कर वापस घर आ रही थी। वह जब घर जाने के लिए अपनी गली में मुड़ी तो एक बदमाश ने गले में पड़ी सोने की चैन पर झपट कर अपने साथी की बाइक पर बैठकर फरार हो गया। यह सारी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित के परिजनों ने थाना पहुंचकर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ तहरीर दी है। जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा में एक चेन स्नैचिंग का प्रकरण सामने आया है। इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हमको मिली है, जिसके आधार पर हम लोग जो अक्यूज है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। शीघ्र ही उसको आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। समुचित धाराओं में मुकदमा इसमें लिखा जा रहा है और शीघ्र ही अभियुक्त की टीम बना के गिरफ्तारी की। सहारनपुर में अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। इस दौरान प्रदेश संयोजक श्यामवीर त्यागी व जिला अध्यक्ष राहुल त्यागी ने कहा कि सरकार ने चुनाव में अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारी पुनः सरकार बनने पर किसानों को ट्यूबवेल बिजली किसानों को मुफ्त दी जाएगी, लेकिन सरकार बनने के 2 महीने बाद भी अभी तक बिजली माफ नहीं की गई। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो प्रदेश में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय किसान संघ द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें धरना प्रदर्शन के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित एक ज्ञापन जिलाधिकारी के द्वारा भेजने का कार्यक्रम रखा गया है। इसमें हमारा मुख्य एजेंडा, जो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा चुनाव में इन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, उसमें इन्होंने हमें संकल्प पत्र में वादा किया था कि किसानों की नलकूप के लिए जो बिजली है वो हम मुफ्त कर देंगे, लेकिन सरकार को चुनने के बाद 2 महीने हो चुके हैं, अभी तक सरकार ने यह वादा नहीं निभाया है। इसी मांग को लेकर आज पूरे प्रदेश में यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हमसे सरकार से यही मांग करते हैं कि इस मांग को जल्द से जल्द पूरी करें, नहीं तो प्रदेश स्तर पर एक बहुत बड़ा आंदोलन भारतीय किसान संघ चलाएगा। सहारनपुर में व्यापारी सुरक्षा फोरम संस्था व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल घंटाघर स्थित बिजली घर पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधीक्षण अभियंता से मिला और उनको एक ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष नरेश धीमान ने कहा कि हम चेकिंग के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, किंतु इसकी आड़ में विभाग के अधिकारी व कर्मचारी छोटी मोटी गलती पर उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, जिस पर अंकुश लगना चाहिए और स्मार्ट मीटर के स्थान पर सादे मीटर लगाने चाहिए। सहारनपुर के लेबर कॉलोनी स्थित श्रमिक कार्यालय पर सीआईटीयू के पदाधिकारी व कर्मचारियों ने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले सभी वर्करों को पंजाब ईंट भट्टों के बराबर 1000 ईंट पर 900 रुपये, पक्के मकान, खाने के लिए गैस चूल्हा, माल ढोने के लिए रेड़े की व्यवस्था, अन्य सुविधाएं देने की मांग की है। आज जो भट्टा मजदूरों को लेकर की मांगों को लेकर हमने धरना दे रखा, और ये जो है हमारा मांग पत्र हमने 5 तारीख में देवबंद में दिया, 7 तारीख में रामपुर दिया, 11 तारीख में नगपुर दिया और 25 तारीख में हमने बेहट एसडीएम को दिया और डीएलसी महोदय को दिया। हमारी मांग क्या है कि जो भट्टा मजदूरों का जो ईंट पथाई का रेट है वो पंजाब राज्य के बराबर 900 रुपये प्रति हजार होना चाहिए। जो मशीनों से मालिक गारा दे रहे उन मशीनों से जो गारा देने का कोई चार्ज मजदूरों से कटना नहीं चाहिए। भट्टे पर उनके बच्चों के लिए स्कूल और डॉक्टर की सुविधा, पक्के लैट्रिन बाथरूम, पक्के आवास, पसारों तक लाइट, रेड़ा फावड़ा, खाना बनाने के लिए रसोई गैस मुफ्त दी जाए, ये हमारी मांगे हैं। देवबिंद में मेला पंडाल में चल रहे कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार की रात शाम एक कव्वाली कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हिंदुस्तान के मशहूर कव्वाल यूसुफ मलिक एंट पार्टी और मीना नाज एंट पार्टी ने शानदार कव्वाली की प्रस्तुतियों से देर रात तक समा बांधा और खूब तालियां बटोरी।
कार्यक्रम की शुरुआत में यूसुफ मलिक एंड पार्टी ने मुझे याद आते हैं, नबी नबी और मीना वारसी ने दमा दम मस्त कलंदर और कैसे बेदर्द आशिक हैं ये आज के कव्वाली गाकर दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। ये दामन पर सौ दाग लगे हैं धोने बैठा हूं, दामन पर सौ दाग लगे हैं धोने बैठा हूं, सारे आंसू बेच दिए तो रोने बैठा हूं। तेरे शहर में